आजमगढ़ में पहली बेर आयल है। हम यहाँ की पतोई है कि नहीं। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनावे की जिम्मेदारी आप लोगों का बा है कि नहीं। अखिलेश भैया, आपके अखिलेश भैया खुद आना चाहते थे क्योंकि आपका प्रत्याशी का नाम भी अखिलेश है। तो और जहां बुआ जी की मैं बात करूंगी, अब बुआ जी को भी मेरी हमारी बुआ जी, अब अखिलेश जी बुआ जी कहते हैं तो मैं भी तो बुआ जी बोलूंगी। तो हमारी बुआ जी को हमारी सुरक्षा की चिंता हो गई है क्योंकि वे अब हमसे डर रही हैं कि हमें आपका जन समर्थन मिल रहा है जी। अरे ऐलान कर रहे हैं, अभी सब करेंगे ऐलान। वो कह रहे ऐलान कर दीजिए, हम कह रहे करेंगे, बात तो कर ले पहले। तो मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते थे कि हमने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया, तो वो गठबंधन इसीलिए किया कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मंत्री वो घूम रहे हैं, यहाँ आए कोई मंत्री? यहाँ पे कोई मंत्री है विपक्षी दलों के, भाजपा के? नहीं आए। चलिए, विपक्षी दलों के कोई मंत्री आए नहीं, आएंगे भी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजमगढ़ की धरती समाजवादियों की धरती है और आजमगढ़ की धरती ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। वहीं आपके अखिलेश भैया ने यूपी 100 नंबर की सेवा शुरू करी है और हर चौराहे पे आपको यूपी 100 नंबर की गाड़ी दिखती है। अब ये गाड़ी काले रंग की क्यों है, महिलाएं बताएं, गाड़ी काले रंग की क्यों है? क्योंकि क्योंकि महिलाओं से पूछूंगी, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों के माथे पे काला टीका लगाती है, काला धागा बांधती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश को किसी की नजर ना लगे, इसलिए हर चौराहे में आप लोगों की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश का 100 नंबर शुरू किया गया है। महिलाएं बचा के रखती हैं पैसा, रखती हैं कि नहीं? महिलाएं बताएं, 100 रुपए 500 रुपए बचा के रखे थे, सब देने पड़े बैंक खातों में, अब आप लोग वापस करेंगे इनका पैसा? अब फिर जोड़ना पड़ेगा। देखिए नहीं भी बोल रहे हैं, कुछ तो बोल देते कर देंगे। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जो महिलाओं को, जहाँ 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह, चाहूंगी ना इससे भ्रष्टाचार रुका, ना इससे काला धन रुका, जहाँ विदेशों से काला धन वापस आ पाया और नकली नोट मिलना शुरू हो गए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की नोटबंदी ने लोगों को दुख पहुंचाया है और आप भी इस बात को समझते होंगे। अब आपको तुलना करनी है कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो झूठ बोलती है, अच्छा दिन भी नहीं कहेंगे अब, झूठ झूठ बोलने वाली सरकार है, और एक तरफ हम समाजवादियों की सरकार है। अब आप लोगों को तुलना करनी है। और जो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पे सवाल उठाते थे कि नहीं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? अरे आपका तो है, विपक्षी दलों का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जो कहते थे? कोई नहीं है। अब बताइए, कोई बाहरी आदमी अगर बना दिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? हम समाजवादियों का, नेताजी का और अखिलेश भैया का किया है। मैं समझती हूँ आप सबको मैं धन्यवाद दूंगी, आप सब हम समाजवादियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और इस बार की लड़ाई में मैं समझती हूँ 100% खड़े हैं, है कि नहीं खड़े सब? आपके भैया हैं कि नहीं? मेरी माता और बहनें जो यहाँ बैठी हैं, आपके बेटे हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है इस बार कोई भी भूल नहीं होगी और 100% ये सीट यहाँ से हम निकाल के लेके जाएंगे और 10 में से 10 सीटें आजमगढ़ की विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। अब मैं कहना चाहूंगी, जहाँ जहाँ लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है क्योंकि कोई काम की बात नहीं है।
इधर भी करा दीजिए, इधर भी लोग हैं, इधर भी घुमा दीजिए हाथ, इधर भी थोड़ा सा मान लो भैया, इधर भी थोड़ा सा हाथ घुमा। सच्चाई मेहनत से तुम हर मंजिल जीत सिखाते हो, देखा है पराए दर्द को भी तुम अपना दर्द समझते हो, आज सबके मन की सुनते हो और सबका हित ही करते हो, करते हो, करते हो। जात धर्म और संप्रदाय का भेदभाव ना करते हो, ना करते हो, ना करते हो। मान कर सबको प्रेम सभी से करते हो, करते हो, करते हो। दुगना हुआ विकास है जो उसे दोगुना में बदलने दो, साइकिल को चलने दो, साइकिल को चलने दो, साइकिल को चलने दो, कदम कदम बढ़ चला है यूपी, नई बुलंदी नए शिखर पर, हे कदम कदम बढ़ चला है यूपी, नई बुलंदी नए शिखर पर, अरे लगी है बहने परिवर्तन की धार चारों ओर उफन कर, तो बुझा लिए अखिलेश किए है सेवा, खिला प्रदेश धरती का लाल जला है, बन के भूचाल चला है, आहा नेताजी का मार्गदर्शन नीति समाजवादी, बढ़ रहा है साइकिल पे यूपी, सबसे आगे निकल रहा साइकिल पे यूपी, और शिक्षा घर घर पहुंचाए, मुफ्त सिंचाई ऋण माफी से खेत किसान के मुस्काए, निःशुल्क लैपटॉप वितरण और विद्याधन अमल में तुम लाए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था को बेहतर कर दिखलाए, क्रांति धारा शक्ति समाजवादी, बढ़ रहा है साइकिल पे यूपी, सबसे आगे निकल रहा साइकिल पे यूपी, देखो तरक्की कर रहा साइकिल पे यूपी, बढ़ रहा है साइकिल पे यूपी।
पीड़ित शोषित वंचित निर्धन सबके हित में सोचे तुम। वृद्धजनों महिलाओं और बीमारों का दुख पहुँचे तुम। निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य योजना और एम्बुलेंस सेवा ही काम धेनु कौशल विकास सबको अवसर सुविधा दी। ओ हो हो उन्नति का रोशन सूरज ज्योति समाजवादी बढ़ रहा है कर पे यूपी सबसे आगे निकल रहा साइकिल पे यूपी जो पिछले 5 बरस में हुआ है जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। साइकिल को लगे पंख विकास के यूपी फलक उड़ा है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साठ में कितना आगे बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है काम बोलता है अधिकाम बोलता है अंजाम बोलता है अधिकाम बोलता है। क्षमता को उड़ान दिया मुफ्त सिंचाई ने पार्टी वीरों को स्वाभिमान दिया। कर्ज माफ करके बोझ उतारा किसानों को इत्मीनान दिया। साझा उठती है नजर इंतजाम बोलता है काम बोलता है भाई काम बोलता है अंजाम बोलता है अधिकाम बोलता है। एक्सप्रेसवे ने दूरी घटाई प्रगति को रफ्तार दिया समय बचाने की उम्मीद।